अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। एचपीएस आईडीसी के उपाध्यक्ष व भाजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए गए तीसरे बजट को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण के दौरान हर वर्ग का ध्यान रखा। शनिवार को ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को राह देने की कोशिश की गई है, नई गति को लेकर नई प्रपोजल लाई गई है। शिक्षा, कृषि सहित अन्य कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। पत्रकारों का भी खास ध्यान रखा गया है। बेरोजगारी को लेकर एक वर्ष में 20,000 नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है। 10,000 नए घर बनाने का प्रावधान है। 2,000 से ज्यादा लोक मित्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में प्रत्येक जिला में ब्रेस्ट कैंसर जांचने के लिए मैमोग्राफी मिशन लगाने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट जयराम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री जयराम ठाकुर जी का, उनके पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद करते हैं। और आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, हिमाचल सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए श्री जयराम ठाकुर जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी की है, अपने छवि के अनुरूप ये घोषणा उन्होंने कर की है, वो बजट वो लेकर आए हैं, उसके हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। राम कुमार जी, जैसे आपने बात की 1,000 मकान की, सर वो क्या पैसा, 10,000 मकान की, सर क्या वो पैसा दिया जाएगा या फ्लैट बना के दिया जाएगा? इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत 1,65,000 टोटल 1,65,000 रुपया उस परिवार को देते हैं। वो परिवार अपने आप उसको पैसा देते हैं, पैसा किस्तों में देते हैं, जैसे पहली किस्त देते हैं, जब उसको सेंक्शन करेंगे वो नींव वगैरह भर लेंगे, फिर वो थोड़ा और उसको आगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, दूसरी किस्त होगी, फिर बाद में जब उसका स्लैब वगैरह पड़ जाएगा, शौचालय बन जाएगा, तो ऐसे उसको किस्तों में सारा पैसा दिया है। सर, वो व्यक्ति वो परिवार खुद बनाता है, सरकार बनाकर, सरकार पैसा देती है उसके लिए। सर अभी एक स्कीम आई थी, पहले आई है सर, कि फ्लैट बना के देंगे सर, लेकिन सर डीसी महोदय को ये लेटर लिखा गया कि उसके लिए जमीन दी जाए, सर अभी तक वो जमीन नहीं प्रोवाइड हो पाई, क्या कहेंगे सर? जो ऐसे बहुत सारे परिवार हिमाचल में ऐसे होंगे जो लैंडलेस है, उनको तो वो उसमें कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अधिकांश जो होते हैं हिमाचल में, वो सबके पास उतनी जमीन रहती है ताकि अपना घर बना लें, घर हैं उनके, टूटे हैं, पुराने घर हैं, कच्चे घर हैं, तो वो उसके जगह वो नए घर बनाएंगे, तो ज़्यादा उसी में जमीन। एनकाउंटरिंग ऊना से सुशील पंडित के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।